अभागी का स्वर्ग अगला भाग। वाथिन तस्वीर बनाता था, उसने अपने अंतिम चित्र को एक सौदागर के हाथों राजा के दरबार में भिजवा दिया। राजा ने तस्वीर ग्रहण कर ली एवं प्रसन्न होकर अपने बहुमूल्य अंगूठी पुरस्कार में दे दी। आनंद से माशोई की आंखों में पानी भराया, उसने उसके पास खड़ी होकर मृदु कंठ से कहा, वाथिन संसार में तुम सबसे बड़े चित्रकार होंगे। वातिन हंसा, कहा, पिताजी का ऋण शायद चुका सकूंगा। उत्तराधिकारी सूत्र से माशोये ही उसकी एकमात्र महाजन थी, इसलिए इस बात से वह सबकी अपेक्षा अधिक लज्जित होती थी। बोली, तुम बार बार इस प्रकार ताने दोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। वाथिन चुप रह गया, परंतु ऋण दिए बिना पिता की मुक्ति नहीं होगी। इतनी बड़ी विपत्ति की बात स्मरण कर उसका हृदय जैसे सिहर उठा। वाथिन का परिश्रम आजकल अत्यंत बढ़ गया है, जातक कथाओं में से एक नवीन चित्र बना रहा है, आज सारे दिन मुंह उठाकर भी नहीं देखा। माशोए प्रतिदिन जिस प्रकार आती थी आज भी उसी प्रकार आई थी। वाथिन के शयन ग्रह, बैठने का कमरा, तस्वीर बनाने का कमरा, सबको अपने हाथों से सजा संवार जाती। नौकर नौकरानियों के ऊपर इस काम का भार डालते हुए उसका किसी प्रकार साहस नहीं होता। सामने ही एक दर्पण था, उसके ऊपर वातिन की छाया पड़ रही थी। माशोई बहुत देर तक एक तक देखती हुई बैठकर अचानक एक निश्वास छोड़ती हुई बोली, वातिन तुम हम लोगों की भांति स्त्री होते तो अब तक देश की रानी बन जाते। वातिन ने मुंह उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसे बताओ तो? राजा तुम्हें ब्याह कर सिंहासन पर ले जाते, उनके अनेक रानियां हैं, परंतु ऐसा रंग, ऐसे केश, ऐसा मुख क्या उनके पास भी है? यह कहकर उसने काम में मन लगाया, परंतु वातिन के मन को लगा, मंडाले में वह जब तस्वीर बनाना सीख रहा था तब ऐसी ही बात वह बीच बीच सुना करता था। तब उसने हंसकर कहा, परंतु रूप को चुराने का उपाय होने पर तुम शायद मुझे ठुकरा कर अब तक राजा के बाईं ओर जा बैठती। माशोई ने इस अभियोग का कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मन ही मन बोले, तुम नारी की भांति दुर्बल हो, नारी की भांति कोमल हो, उन्हीं की भांति सुंदर हो, तुम्हारे रूप की सीमा नहीं है। इस रूप के समीप वह अपने को बहुत ही छोटा समझती है। अगला भाग।